हेलो पीपल वेलकम बैक टू इसी दिल्ली ब्लॉक तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली के 25 घूमने वाली जगहों के बारे में तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जो पहली जगह अपनी होने वाली है एडवेंचर आइसलैंड जो कि रोहनी में है रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास आ, ये बहुत ही मज़ेदार जगह है यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं एक छोटा सा वाटर पार्क भी है इसके अंदर में और साथ ही यहाँ पर रन वे करके एक जगह है जहाँ पर आप एरोप्लेन के अंदर में डाइनिंग कर सकते हैं तो ये जगह बहुत ही मजेदार हो जाती है एडवेंचर आईलैंड कहते हैं इसे तो भाई नंबर दो पर अपना आ जाता है ई एडवेंचर पार्क जो कि मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के पास में है यहाँ पे एक संजय लेक भी है जहाँ आप बोटिंग के मजे ले सकते हैं तो बहुत ही मजेदार जगह है भाई ईओडी और ये एक हिडन एडवेंचर प्लेस भी कहा जाता है तो आप यहाँ पे भी जाके घूम सकते हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक डली हुई हैं आप जो भी जगह घूमना चाहते हैं उसका फुल वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आ गया है अपना स्नो वर्ल्ड द वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा में है ये जगह परी चौक मेट्रो स्टेशन के पास में तो ये जगह मॉल के अंदर में है और बहुत ही मज़ेदार है माइनस दस डिग्री का अनुभव आप ले सकते हैं शिमला मनाली और मसूरी जैसी जगहों के बर्फ़ के मज़े आप यहीं पे ले सकते हैं दिल्ली के अंदर ही दिल्ली एन सी आर में कहूँ तो तो ये जगह भी बहुत मज़ेदार हो जाती है जब आप बर्फ़ के मज़े लेना चाहते हो तो चौथी जगह मोजो लैंड है ये है सोनीपत मूर्थल में और यहाँ पर भी आप स्नो पार्क है एक वहाँ पे माइनस दस डिग्री के मजे ले सकते हैं तो बहुत ही मज़ेदार ये भी सेम हो जाता है तो दोस्तों अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सोनीपत जा सकते हैं सोनीपत में ये जगह आपको मिल जाएगी मोजो लैंड नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों लोहागढ़ फॉर्म है सबसे बेहतर फॉर्म जहाँ पे आप जाके डे आउट के मजे ले सकते हैं फैमिली पिकनिक वगैरह मना सकते हैं आ, काफी मजेदार हो जाता है ये भी जगह सोना रोड पे है बादशाहपुर गुड़गांव में तो ये जगह आप जा सकते हैं इस जगह पे छठे नंबर पे रंगमंच फार्म है रंगमंच फार्म काफी बढ़िया लगा था मुझे अः जहाँ पे कहा जाए थोड़ा लग्जरियस भी आपको दिखेगा एक फार्म में और बहुत ही बेहतरीन ये भी था यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है बहुत ही मजेदार था तो सभी का फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाके वहाँ से देख सकते हैं सातवें नंबर पे आते हैं माधवगढ़ फार्म्स ये भी बहुत बेहतरीन है डे आउट के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे भी आपको एक छोटा स्विमिंग पूल मिल जाता है और आप फुल इन्जॉय कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है यार ये भी जगह तो दोस्तों अब चलते हैं आठवें नंबर पर दी एडवेंचर पार्क है ये भी गुड़गांव में है टिकली विलेज में और ये भी बहुत मज़ेदार है डे आउट के लिए एडवेंचर पार्क कहा जाएगा इसे तो यहाँ पर आप आज जा सकते हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में आठवें नंबर पे लिंक मिलेगा इसका तो नौ नंबर पे एयर सफारी है ये भी गुड़गांव में है सोना रोड के आसपास तो इसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यहाँ पे आप फ्लाइंग कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तो दोस्तों पैरा मोटर के मजे ले सकते हैं आप गुड़गांव के अंदर दिल्ली एनसीआर में वेस्ट टू वंडर एक जगह है जहां पे आप भारत के अलग अलग जो मोन्यूमेंट्स हैं अच्छी अच्छी जगह है सबका एक छोटा वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट टू वंडर के अंदर में जो कि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में सराय मेट्रो स्टेशन पड़ता है ये भी बहुत ही मज़ेदार जगह है फैमिली के साथ घूमने के लिए तो आप यहाँ पे डे आउट कर सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की जगहें भी हैं तो दोस्तों ग्यारहवें नंबर पर है जूपर टेम्पोलिन ये गुड़गांव के अंदर में है सेक्टर बावन में ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार जगह है यहाँ पर जंपिंग जंपिंग वाले गेम होते हैं तो वो सारे के सारे बहुत ही मज़ेदार हैं तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं तो भाई तेरवें नंबर पे आता है स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन रोहनी के अंदर में है एडवेंचर आइसलैंड ये एक जगह है जहाँ पे दिल्ली के अंदर में रिठाला मेट्रो स्टेशन नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है यहाँ का ये भी बहुत ही मज़ेदार है बच्चों के लिए चौदवें नंबर पर आता है मैडम तुसाड़ वैक्स म्यूजियम है जहां पे आप, आप अपने फेवरेट स्टार के पुतले देख सकते हैं जो कि नोएडा अट्ठारह के अंदर में है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में ये पड़ता है तो पंद्रह नंबर पर चलते हैं पंद्रह नंबर पे है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन जो कि कनॉट प्लेस में है दिल्ली के सेंटर में ये बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे आपको तरह तरह के एल्यूज देखने को मिलेंगे तो बच्चे और बड़ों सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है तो दोस्तों सोलवे नंबर पर आता है चंपा गली जो कि साकेत मेट्रो स्टेशन के पास में है ये है कपल्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं ये गली ही बहुत खूबसूरत लाइटिंग से सजी रहती है तो शाम के समय यहाँ जाना बहुत ही खूबसूरत हो जाता है तो दोस्तों अगला पूल कैफ़े मजनू का टीला एक जगह है दिल्ली में यहाँ पे है और ये भी जगह बहुत ही बढ़िया है यहाँ कपल्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है तो यहाँ पर भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो ये बहुत ही जगह अच्छी जगह है कपल्स के लिए तो भाई अट्ठारवे नंबर पे आते हैं अब वाटर पार्क की तरफ अपू घर वाटर पार्क दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क जो कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास में ही है तो ये भी काफी अच्छी जगह है वाटर पार्क एंजॉय करने के लिए तो आप दिन में अपने फैमिली के साथ यहाँ इंजॉय कर सकते हैं उन्नीसवें नंबर पे आता है वर्ड्स ऑफ वंडर नोएडा में है ये भी वाटर पार्क है तो यहाँ पे भी जा सकते हैं आप नोएडा सेक्टर अट्ठारह में है वर्ड्स ऑफ वंडर तो भाई सभी वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबके नंबर्स के हिसाब से आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं बीसवें नंबर पे आता है फन एंड फूड विलेज कापा बॉर्डर पे ही है ये गुड़गांव के पास तो ये भी वाटर पार्क है ये भी बहुत ही बेहतर वाटर पार्क है तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं तो दोस्तों इक्कीसवें नंबर पे आते हैं ये है अटलांटिक वाटर पार्क जो कि अपने कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास में है ये भी बहुत अच्छी जगह है आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपना डे और तेईसवें नंबर पे चलते हैं तो फन सिटी एम्बियंस मॉल गुड़गांव में है जो कि बच्चों के लिए गेमिंग जोन है बहुत ही मज़ेदार है अगर आपके बच्चे हैं अब आप खुद बच्चे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं गेमिंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा साठ सत्तर गेम हैं यहाँ पे उससे ज़्यादा ही होंगे तो बहुत ही मज़ेदार जगह ये भी हो जाती है तो दोस्तों चौबीसवें नंबर पर आते हैं ये भी फ़न सिटी नोएडा में है डील ऑफ मॉल ऑफ इंडिया के अंदर में ये भी काफ़ी मज़ेदार जगह है बच्चों के लिए यहाँ पे भी 50-60 तरीके के गेम्स हैं और सॉफ्ट प्ले जोन भी है जो बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे बच्चे गेम्स खेल सकते हैं और छोटे बच्चे हैं तो वो भी इन्जॉय कर सकते हैं सॉफ्ट प्ले जोन के अंदर में तो अब आ जाते हैं पच्चीसवें नंबर पर यह है एक स्पेशल जगह असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओखला में है और ये बहुत ही बढ़िया जगह है अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफर हैं अगर आप जानवरों को लाइव देखना चाहते हैं और आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है बाकी आप ब्लॉगर हैं या घूमने जाना चाहते हैं उन सब के लिए बड़ी बढ़िया है जगह हैं तो भाई 25 जगह हैं मैंने आपको दिल्ली के अंदर बता दी हैं आप जहां भी घूमना चाहते जाके आप घूमें तो दोस्तों इन सभी के प्राइजेज जगह है और कैसे हम यहां पे मजा कर सकते हैं देखने में कैसा है वो सारी के सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी तो जिस वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं जिस जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी जगहों के बारे में आप उन लिंक पर जाके पूरी तरीके से फुल वीडियो देख सकते हैं तो भाई इस ब्लॉग के लिए इतना ही रहा आपको इतनी सारी जानकारी मैंने दे दी है कैसा लगा आप जरूर बताना आपने कौन सी जगहें घूमी है कमेंट करके बताना और आपको इनमें से सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगती है वो भी आप बता सकते हैं चलिए इस ब्लॉग के लिए इतना ही रहा फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में देखते रहिए सि दिल्ली ब्लॉग्स बाय